दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सड दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आण वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानो सुख्यो ऐ सतावो थिए रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन के जग मशहूर प्रोग्राम डा दस में पूरी दुनिया में आबाद सिंधियन के मुझे सलाम जी इन वक्त जिन जिन मान के कनन तीन मुझे आवाज पहुंची रो है उन सभी के सिंध के मुतीय की खुशबू भर सलाम कबूल पवे आवाजो पेंजो अली नवाज आली सर मुझे समीन असो अजोके प्रोग्राम जो आम लेखिकाओं जी वाकई आम तेन एक नाले वाली कहानीकार खरन सा जाफरी जो तखलीकी सफर ढो शानदार मनाए तो रो बी अस है डॉक्टर दुरेश अवार सैयद डॉक्टर दुरेश अवार सैयद जहाँ सिंध के मुफ़क्कर आज़म रहबर सिंध तारीखी शहर हैदराबाद नहायत ही गैर मामूली ज़हन पैदा कया इलम परवर चई सकजन था जिन के लिखण में समुद जी गहराई महसूस थे थी उन लेखकन में एक नालो खरनसा जफरी जो अचे तो जका सिंध के अदबी हल्के में गुडी तौर मशहूर थी अदबी हल्के में एक बेबाक लेखका तौर छायल रही वह दिसण में वाकई गुडी जड़ी हुई पर गालण में आग जहा उला उछलाई हुई लिखणी में मोती के गुल जहाँ उदरी हुई वो कहानीकार तो हुई पर आला पाए की नकाद प हुई पुर एतमाद मुकर्र भी हुई न पैंने कहानियों में भी मौजूद की चूंड आम कई है न उन फाइव स्टार होटल में वही शराब ये पेग से तराशल तशबियन की चूंड कई है न उन बारी अदब के मौजू के लिखण जो माहवार बनाया है इन जहा मौजू पे धरती जहाँ मिट्टी आना मानू आन उन हवाले से सिंधी अदब जो बर्ख कहानीकार अब्दुल कादिर जुनेजे लिखो है खरन सा जाफरी कहानी लिखण वक्त पे माहौल तबके तबके के बेपार किरदार के पान से गंढल रखो है अड़ा किरदार क्या अथस जो संद आस पास मौजूद हैं संदस माहौल से घाटो तालुक रखन था न तो शेरिंग कार्नर जैं कमरे की थदी कुंड में वेही हारियन नारियन जो गाल अथस इन वरी कंधे वली मामन मर रही करे जे तेज भूत भूत सवार पो है इन वरी मगरबी अदब जहा चालीह साल अग जहा फिटा कयल ख्याल दस दिन में कडे मुंह से मले
पंहिंजे पाण खे मॉडर्न उज़म जो शिकार बणायो अथसि ऐं पंहिंजे असल शिकल फिटाए वेही रही आहे। इहा ई सिंध फन जी वॾे में वॾी सचाई आहे। इहो यादि सिंध जे तमामु वॾे कहाणीकार ऐं ड्रामा नवीस अब्दुल क़ादिर जुनेजे जा ख़्याल खरनसा जाफ़री बाबति, जेके हुन पंहिंजे ख़ाकनि वारे किताब शिकलियूं में लिखिया आहिनि। सिंधी अदब जी बरख कहाणीकार आहे नक़ाद खरनसा जाफ़री। 17 अगस्त 1947 ते हैदराबाद में जनम वरितो, तॾहिं त संत वालदीन तलार ज़िले बदीन जा हुआ। बुनियादी तालीम हैदराबाद में हासिल करण बाद नफ़्सियात में पोस्ट ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी जामशहर मां कयाई। उन बाद 1970 में साॻे इदारे सिंध यूनिवर्सिटीअ जी नफ़्सियात वारे शोबे में लेक्चरर मुक़ररु थी। जंहिं यूनिवर्सिटीअ में हूअ पढ़ी उन इदारे में मुस्तक़िल तक़बिल जा सुनहरी ख़्वाब खणी ईंदड़ शागिर्दनि खे ख़ूब पढ़ायो बि, त उन्हनि जी ज़िंदगीअ जे हर वहिंवार में फराग दिलीअ सां मदद बि कई, त ज़िंदगीअ जे ॾुखियुनि राउनि ते हलण बि सेखारियो। खरनसा जाफ़री अदब में 1974 में कहाणियूं लिखण सां पेर पातो। संदसि पहिरीं कहाणी 1974 में माहवार सोजरे में शाया थी। जंहिं अदबी हल्के में आम जाए वालारी ऐं खेसि वॾी पधिराई मिली। उन बाद हिन बाक़ाइदे कहाणियूं लिखणु शुरू कयूं ऐं पाण अदब जे मैदान में पंहिंजो ढाको जमायो, जेको संदसि लिखणीअ में सचाईअ जो सबूत हो। हिन पंहिंजी कहाणियुनि में समाजी अणबराबरी ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ मसइलनि सां ध्यानु छिकरायो ऐं हर मसइले जी नियायती बारीक बीनीअ सां छंड छाड़ कई, जंहिं करे सिंधी अदब जे पाठकनि में हूअ मुनफ़रद लेखका तौरु मशहूरु रही। संदसि कहाणियुनि जो पहिरियों मजमूओ तख़लीक जो मौत जनवरी 1978 में शाया थियो, जंहिं सिंधी अदब में हिकु अलॻि छाप छॾी। संदसि कहाणी हवेलीअ खां हासिल ताईं में हिकु अहिड़े मसइले ॾांहुं ध्यानु छिकायो वियो आहे, जेको वॾे अरसे खां असांजे समाज में नासूर बणिजी रहिजी वियो आहे। हिन औरत जे अहसासनि, नफ़्सियाती ज़ुल्मनि ऐं समाज जे फ़र्शदा रस्मनि जो निहायत बेबाकीअ सां अक्स छिचो आहे। उनखां अलावा हिन मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते मज़मून बि लिखिया आहिनि, जिन में ॿारनि जी नफ़्सियात ते लिखियल संदसि मज़मून वॾी अहमियत वारा आहिनि। जीअं त संदसि मौजू नफ़्सियात हो, उन करे संदसि कहाणियुनि ऐं ॿियनि तहरीरुनि में दाख़िली अहसासनि ऐं जज़्बनि जो नफ़्सियाती इज़ार जानदार अंदाज़ में मिले थो। खरनसा जाफ़री जे समूरनि तख़लीकनि जो गॾियल मजमू मुंहिंजो तख़लीकी सफ़र 1992 में सिंधिका अकेडमी कराचीअ पारां छपायो वियो, जंहिं में संदसि कहाणियुनि खां सवाइ ॿियूं कहाणियूं, तक़रीरूं, इंटरव्यू ऐं भारतीय सफ़रनामो बि शामिलु आहे। संदसि भारत यात्रा जो ई सफ़रनामो शुरू में मारूर ऐं मलीर जा जे उनवान सां रिसाले आसीअ में 1983 में ॿिनि क़िस्तनि में छपियो। बाद में नसीर मिर्ज़ा जे तरतीब ॾिनल सफ़रनामनि जे किताब धरती सारो देश में बि छपियो। उन बाद में संदसि गॾियल लिखणनि जे मजमूए में पुणु शामिलु कयो वियो। हिन किताब जो मार्ग मशहूरु कहाणीकार ऐं ड्रामा नवीस सिंधी ॿोलीअ जी हिन नामवर कहाणीकारा नक़ात ऐं मुक़ररु खरनसा जाफ़री 4 मार्च 1998 ते वफ़ात कई। संदसि विछोड़ो सिंधी अदब लाइ हिकु वॾो हानियो आहे। संदसि यादि में माहवार सरतियूं ख़ासि नंबर शाया कयो करे भरपूर भेटा पेश कई आहे। खरनसा जाफ़री जॾहिं सिंधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाईंदी हुई त हुनजो ज़ोर जूं टे औरतूं हूंदियूं हुयूं, डॉक्टर तनवीर जुणे जो, लेला बाना ऐं खरनसा जाफ़री। ऐं हिननि टिनी जी हिकु मूर्ति सिंध यूनिवर्सिटी में तमामु घणी मशहूरु रही। उन दौर जा जेके बि शागिर्द आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि त खरनसा जाफ़री जहिड़ी उस्ताद शफ़ीक बाजारी ऐं न्यायते ज़हीन त्रे उस्ताद हुई ऐं सभिनी शागिर्दनि खे वधि खां वधि पाईंदी हुई, प्यार कंदी हुई ऐं हुनजी मिज़ाज सभु तमामु तेज़ हुई ऐं ॾाढी कमाल हुई। ऐं हू बिना कंहिं रोक टोक जे का बि ॻाल्हि कंहिंखे बि मुंहुं ते चई ॾींदी हुई। जॾहिं शेख ख़्याल सिंध यूनिवर्सिटीअ जो वाइस चांसलर हो, उन वक़्त बि जॾहिं शागिर्दनि जो को मसइलो पैदा थियो ऐं अयाज़ जेको हेठो उन में सरकारी कामोरो थी साम्हूं आयो हो, तॾहिं खैरनसा जाफ़री उन्हनि उस्तादनि उन्हनि शागिर्दनि सां गॾिजी
अयाज वट वही अयाज के चिटियों बुदायों आई अड़ी तरह उनके मिजाज तमाम घनी तेज होंगी हुई कें भी स्टेज से मानन के विच में कें का भी अड़ी गाल होंगी तो उन जवाब दी छी हुई सिंध म्यूजियम हैदराबाद में प्रोग्राम हो में औरतन के हवा से सेमिनार हो सेमिनार में असो कोमपरस्त अगवान है अब्दुल खान को जुड़े जो उन्हें स्टेज से अची एक गाल कि औरतन के हवा से ऐसे उन्हें औरत है न्याय थी कमजोर है यह गाल करे जो लही हुए स्टेज से जैसे मथा खरन सा जाफरी जो वारो आयो खरन सा जाफरी न्याय थी उनो मिजा वाले मूड में हुई तमाम ही भरपूर जवाब दिनों हुई स्टेज से औरत कमजोर है पर मू शहर में थोड़े बाराड़न में दीवार से मर्दाना कमजोरी का इश्तहार पढ़िया औरताना कमजोरी का किथे भाई इश्तहार ना पढ़ो तो ये भी असा खैर नफा जफरी जो तकलीकी सफर जो हवा तीन पोचाओ मुझे यकीन है तो खैर नफा जफरी जो तकलीकी सफर तमाम घो पसंद आयो हों हाँ हवा के सामू जे इंसान जे शख्सियत के पेश कर रही आया सिंध जी सन जी सिंध के मुफ़क्र रहबर आज़म जी एम के दीनियाणी डॉक्टर दुरेश अवार सैयद जै सभी का पैं बाहर वही शाह लतीफ के फिक्री पस मंदर से पी एच डी कई सिंध दुनिया की तारीख में इलम अदब तहजीब शऊर सांझा खुशहाली से गड़ मेहमान नवाज मानन जो वतन है शाह लतीफ सिंध की तारीख में आकाश चमकंदड़ रोशन सितारो है जैसे इन कौम के नरगो मर्दन पर औरतन ने बार के भी फख्र है पूरी दुनिया के खुद के मर्द सुरमन से फख्र है पर सिंधु वाहिद सरजमीन है जैसे रहदड़ मिट्टी आनन मानन के मर्द सुरमन से गडे सुरमन से भी नाजर है शाह लतीफ सिंध के सुरमन के गाए सचपच अमर कर सिंध जो सुरमियों नरगो शाह साई के दौर में पैदा थी पर सिंध अज ती अड़न सुरमन के जणींदी रही है जिन पर जो फख्र कजे ओतो घट है पर अफसोस इन गाल जो है ताजो कि सिंध के सुरमन के शाह लतीफ जड़ो शायर मिली न सको है देखो खेन अमर बनाए अजाऊं सिंधी तारीख जे कहड़ी सुरमी जो जिक्र कंदस जेका पंजे सबनी सुलछणायन सान धरती ते अजरक जे फुलड़न जिया सजल रही है ओ सुरमी है सिंध जे तारीखी घराने शाहदर सनाई जी टी पीढ़ी पीढ़ी जी चेशम चराग जीएम सैयद जी बाशूर न्याणी जी दुरेशवार सैयद सामोर अदीब समाज सुधारक मौखिक डॉक्टर दुरेशवार सैयद सिंध के कौमी रहबर जीएम सैयद के घर में 21 मार्च 1942 ईस्वी से अबाणे गोठन जिले जामश्वरे में जन्म वरतो जी ही पढ़ण जडी थी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो विरांगू थो वे तादाद में हिंदुन की लद पलान थी सन के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पढ़ाईदड़ मास्तरियाणी पुन लडे व्यूं जैसे इब्तदाई तौर खेस हैदरमंदल कराची में भायरन से गड रो वो मैट्रिक ताई तालीम कराची के सेंट जोसफ स्कूल में बीए 1970 ईस्वी में कराची के कॉलेज में पास कई 1969 ईस्वी में कराची यूनिवर्सिटी में एमए फिलोसॉफी में कई फारसी जो सर्टिफिकेट कोर्स सिंध यूनिवर्सिटी जामशर में 1972 ईस्वी में उन दौरान ही संदस वालद मोहतरम साई जीएम सैयद खेस पी एच डी करण जो मशवरो दिनों जो इन न्यायती खुशअसलूबी से कबूल किया 1974 ईस्वी धारे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करण लाइ लंडन वही पे 1978 ईस्वी में ससेक्स यूनिवर्सिटी में दाखिला वरताई लंडन के एशियन साउथ स्टडीज में 1984 ईस्वी में शाह लतीफ जो फिक्री पैगाम के उनवान से मकालो लिखी पी एच डी डिग्री हासिल कयाई
जिते मंटगो मरी एल विल सिल्टन जरा आलम मुसार डॉक्टर केरविल हेलन ब्रांड क्रिस्टोफर सां सहकारी हुआ जे करे संदस कम में ॾुखियाई घटि पेश आई। मशहूर आलम डॉक्टर एन मेरी शमल खां सवाइ इंटरव्यू वाइवाद वरती हुई। डॉक्टर साहिबा शालती शायरी के फिक्री पस मंदर के समझाने लाए मजबूत दलील दई बहस कई हुई। साईं के हवाले से ये तारीख साज कम है जैं सहारो इन न्याणी के मथे से आयो। इन हवाले से सिंध जो दाओ दानिश्वर मोहम्मद इब्राहिम जोयो डॉक्टर दुरेशवार बाबत लिखे तो डॉक्टर दुरेशवार सैयद पैं वालद की तरबियत टही उनकी समाज आए पाई सादकी सीरत किरदार वारी बुलंदी इलम अमन वाला गुण हासिल कर सच पच पान के सिंध की सरजमीन के एक मिसाली गुणवान समाजी आलम और साबित करो। बावजूद खानदानी रस्मन के कैद में जकड़ियल समाज के रुकावट के इन सदोरी सुल्तनी न्याणी सिर्फ सिर्फ वालिद के रबरी साथ से यूनिवर्सिटी का दौरा इंग्लैंड के सफेक्स यूनिवर्सिटी जो इल्मी सफर तय किया। वही मेहनत अवरचाई हिम्मत से पी की ख्वाहिश जो एतराम रखने सिंध के सूफियन के आलमी पैगाम यूनिवर्सल मैसेज ऑफ सूफीज ऑफ सिंध जड़े एक दिल पजीर आला मौजूद जो इंतखाब किया। ڈاکٹریٹ مختلف ادارے میں داخلہ جا دکھیا مرحلہ استاد نے علمی رہبرن گائڈ کی علمی فیض استفادہ چھپل اینڈ چھپل کتابن دستاویزن کی تلاش ان جو تفصیلی باریک مطالعہ مختلف بولن کی جان کی حاصلات تصوف ویدانت یورپ کے میسٹیزم بابت مذہبن فلسفن کے ابیاس ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کے علمی مطالعاتی تقاضاؤں جو پوراؤ یہ دکھا اناوا لکوا جے سن جڑے کنڈائے تے گوٹھڑے چیرانے سیدانے گھر کی نیانی کے نرگو لنگڑا پیا پر سندھی کے مقبول محاورے موجب ٹکر ٹاکنا پیا उन सजे सफर में जका रहनुमाई साईं जीएम सेठ पंहिंजी न्याणीअ जी कई सा सच पच वालदेन लाइ हिकु सबक हिकु मिसाल आहे। मोहम्मद इब्राहिम जोए साहब जी हीअ राय जेका हुनजे पोरे जे लाइ जो हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ आहे वॾो मान आहे। सम्झां थो त जोए साहब जे इन्हनि लफ़्ज़नि खां पोइ कुझु बचे कोन थो जो हुन मथा कुछ गाले सकते। सुरेश अवार पैं सिंधी औरत है ऐशा लतीफ से अंग्रेजी में डॉक्टरेट कई पढ़ाई के मामले आल सिंध सैयद सादात जमायत समेत घर के कुछ फर्दन मुखालफत कोई कई पर संदस वालिद जीएम सैद हर गाल पुते रखी खेस पढ़ा जिनो आवाज से जीएम सैयद विच में थियल खतो किताब के किताब डूंगर से डोरिंदियों में पिण मौजूद है जैमें खेस मुखातिब थी साईं जीएम सैद हिकंद लिखियो है त मुंहिंजे इल्म जे हिसो जी कामयाबी मुंहिंजे मिशन जी तकमील जो वाधारो आहे। वाह वाह पंहिंजे इल्म जे हिसो जी कामयाबी मुंहिंजे मिशन जे तकमील जो वाधारो आहे। वाह सैद टी जे उन ख़्वाब खे सिंध जे हिन लाइक़ न्याणी सच साबित करे ॾेखारियो। साईं जीएम सैद ऐं जीजी जे विच में चल हुन ख़तो किताबत मां संदो शूर साजा ऐं वसी सोच जो अंदाज़ो लॻाए छॾियो। संदो शुमार सिंधी तालीमी माहिरनि में पिणु थिए थो। डॉक्टर दुरेशवार सैद खे सिंधी अंग्रेज़ी उर्दू ऐं फारसी ॿोलनि ते उबू रखंदो खेसि प्यार ऐं एतराम मां जीजी खे सॾियो वेंदो हुओ। हिन 1985 ईस्वी खां 1991 ईस्वी ताईं कराची यूनिवर्सिटीअ जे पाकिस्तान स्टडी सेंटर में लगातार तारीख जो मज़मून पढ़ायो। लेक्चरर ऐं असिस्टेंट प्रोफेसर जे उहिदनि ते रही हिन दर्स तदरीस जा फर्ज़ सरंजाम ॾियण सां गॾु 1991 ईस्वी में कराची यूनिवर्सिटीअ जे शाह लतीफ चेयर जे डायरेक्टर जे उहिदे ते फाइज़ थी ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जी मेंबर पिणु रही।
डॉक्टर दुरेश अवार सैयद औरतन में सुजागी आणण लाइ औरतन जी तंजीम आसवा आज सिंध वोमेन एसोसिएशन जो बुनियाद विधो सॼी सिंध जा दौरा करे मुख़्तलिफ़ शहरनि कराची हैदराबाद सनत अंदोआदम नवाबशाह भाणूत ऐं ॿियनि शहरनि में यूनिट क़ाइमु कया हिन तंजीम जे मुख्य मक़सदनि में औरतनि में सुजागी आणणु तालीम ऐं सिहत अहम हुआ हिन तंजीम पारां केतिरनि ई ॻोठनि में स्कूल क़ाइमु कया विया केतिरनि ई पुठिते पियल इलाइक़नि में ॿारनि खे कपिड़ा ऐं किताब मुहैया करे ॾिना विया ॻोठाणनि औरतनि जे हथ जे हुनर खे हथी वठाई वई अहिड़ीअ तरह ई तंजीम दुरेशवार जे हयातीअ ताईं बाक़ाइदे सरगरम रही पी एच डी थीसिस यूनिवर्सल मैसेज ऑफ शाब्द लतीफ़ सिंधी अदबी बोर्ड पारां 1986 ईस्वी में छपी लतीफ़ी कानिया उर्दूअ में 1994 ईस्वी में शाया थियो शाब्द लतीफ़ जी मौसीकी उनवान सां तरतीब ॾिनल किताब शाब्द लतीफ़ केयर पारां 1992 ईस्वी में शाया कयो हिन किताब खे ॿिनि हिसनि में विरिहायो वियो आहे हिसो पहिरियों सिंधी मौसीकी ऐं हिसो ॿियो शाब्द लतीफ़ ऐं सिंधी मौसीकी हीअ किताब सिंधी मौसीकी ऐं शाह लतीफ़ जे कलाम में मौसीकीअ जे हवाले सां निहायत ई लाभाइतो किताब आहे सिंधी उर्दू ऐं अंग्रेजी ॿोलियुनि में लिखियल मकाला मुख़्तलिफ़ अख़बारनि ऐं रिसालनि में छपजी मञता माणे चुका आहिनि हिन केतिरनि क़ौमी ऐं आलमी सतह जे सेमिनारनि ऐं कॉन्फ्रेंसनि में शिरकत करे तारीख़ी मकाला पढ़िया खेसि इल्मी अदबी ख़िदमतनि जे मञता तौरु केतिरा ई अवार्ड पिणु मिलिया जिन में 1985 ईस्वी में अर्नेस्ट ट्रंप अवार्ड 1988 ईस्वी ऐं लतीफ़ गोल्ड मेडल अवार्ड साॻे साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध केश अवार्ड 1990 ईस्वी में सचल सरमस्त अवार्ड आम आहिनि जीजी दुरेश अवार्ड जी सॼी ज़िंदगी क़ाबिले फ़ख्रु आहे सिंध जे हिन बावकार न्याणी नरगो तालीम जे मैदान में पाण मञायो पर हिन तख़लीक जे मैदान में घणनि मौक़नि खे पहुचे छॾियो आहे डॉक्टर दुरेश अवार सैयद शाह लतीफ़ चेयर में रहण दौरान ताकी जे शागिर्दनि लाइ हिकु भरपूर वर्कशॉप करायो ऐं उन में तहक़ीक़ जे उसूलनि सेखारण लाइ जेके मकाला पढ़िया विया उन्हनि खे पाण अंग्रेज़ी उर्दूअ मां सिंधीअ में तर्जुमो करे तहक़ीक़ जो तरीक़ेकार जे नाले सां छपरायईं जेको अॼु सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि में जे कोर्स ते रखियल आहे शाह लतीफ़ ते तहक़ीक़ बबलियोग्राफी ऑफ शाह लतीफ़ ऐं शाह जो रिसालो चयनि ॿुधनि में सहिड़े छपाया सिंध जे हिन बावकार न्याणी 26 डिसंबर 1997 ईस्वी ते वफ़ात कई सिंध विछोड़े सिंधी अदब में हिकु वॾो ख़ाल पैदा कयो आहे जेकी दुरेश अवार तमामु हिकिड़ी सुलझियल सुलझणी इंचाई ज़हीन इंसान हुई हिन साईं जीअं सभु जेके ख़त लिखिया आहिनि उन ख़तनि मां संदसि वसी सोच वसी नज़रिए हुनजी बारीकी जी ख़बर पए थी उनखां सवाइ जेकी दुरेश अवार सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में बि वई ऐं उतां जे मज़लूम अबूज औरतुनि खे जो हुन रहनुमाई कई उन्हनि खे घणे खां घणो सेखारियो आहे ऐं तव्हांखे हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा लॻंदी त हिन सर पार्कर ताईं बि सफ़र कया आहिनि ऐं खोड़ सारियाऊं जेके उतां जे माण्हुनि सां मिली आई उतां जो हाल अहिवाल वरिता अथसि ऐं हिकिड़े भेरे जॾहिं उहो उमरकोट आई हुई त थर पार्कर जे टूअर ते पंहिंजी जेका हिसा औरतनि जी जेका तंजीम आहे असवा उन पारां हिन उमरकोट में आई हुई त उमरकोट में घुमंदे माण्हू अहिड़ो हुनखे नज़र आयो जेको नंद नवायो नवाए वीर जॾहिं हिननि जो हिननि जो काफ़िलो जॾहिं पंधु हुते शहर मां लंघियो त हू जेको हिसो मुंहुं पुछड़ो करे कंद नवाए बीह रहियो ईअं ई बीह रहियो जीअं अलमा ऐं काज़ी इल्साए साम्हूं बीठो हुयो त जी जी अॻिते वधी आई हुई ऐं हुन सां गॾु केतिरियूं ॿियूं छोकिरियूं हुयूं ऐं अॼु पुछियो आई त अदा तव्हां असांखे ॾिसी कंद नवाए छॾियो ऐं तव्हां केरु आहियो त हुन इहो चयो तव्हां जीअं सैद जो कोयल गया ऐं जीअं त तव्हां सैद जो न्याणियो आहियो ऐं सैद जी असांखे इहा तालीम ॾिनल आहे त जिते तव्हां औरत ॾिसो तव्हां बि कंहिंजी न्याणी ॾिसो त उन साम्हूं हुते कंध नमाए ॾियो तॾहिं जीजी तमामु घणो ख़ुशि थी हुते चयो आई त बाबा जो हीउ पैगाम जंहिं न थर जे भिटनि ताईं पहुचायो आहे असांजो ख़ानदान काश हुन माण्हू जो क़दुरु करे सघे उहो माण्हू पंहिंजो जंहिंजे क़दुरदानी जी ॻाल्हि जी दुरेश आवाज़ सैद कई हुई उहो माण्हू अब्दुल वाहिद आरीसर हो ऐं उहो इंसानु जंहिं दीदी खे ॾिसी कंद नमाए हुते बीठी हुई उहो माण्हू
असांजे उमरकोट जे तमाम हिकिड़े मशहूरु शाइर रोहन फ़क़ीरीअ नाले सां आबाद शाइर रोहनवा जो ॻोठ जो राकू फ़क़ीर भले ॾिनो ठहंदो, जंहिंखे भलू फ़क़ीर बि चयो वेंदो हो, जंहिं पुण सन जी सुर्ती पीती हुई, जंहिं पुण जमंदर बदर अब्दुल आरीशर बीके ऐं ॿियनि केतिरनि सां गॾु सिंध जा पंध कया हुआ। त बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त इहा सिंध जी या सैयद जी तालीम हुई, जंहिं न सिर्फ़ु जी जी दुरेशावार में उहा दूरंदेशू पैदा कई हुई, पर संदसि अज़ीम फ़िक्र सां लाॻापियल जेके बि माण्हू रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी में बि उहा ई दूरंदेशू पैदा कई हुई। हीअ बि असांजी डॉक्टर दुरेशावार सैयद, जेका न सिर्फ़ु जंहिं न सिर्फ़ु पी एच डी कई हुई, पर हिन शाह लतीफ़ जे सभिनी पहलुअनि ते कमु कयो, तहक़ीक़ जे हवाले सां बि कमु कयो, उस्ताद थी बि रही, मुख़्तलिफ़ इदारनि जी मेंबर बि रही, समाज सुधारक बि रही, ऐं संदसि महिनतूं सिंध जी तारीख़ में सदाई यादि रखियूं वेंदियूं, ऐं जॾहिं जॾहिं सिंध जो नालो वरितो वेंदो तॾहिं सन जे साईंअ सां गॾु जी जी दुरेशावार खे बि यादि कयो वेंदो। मुंहिंजे साम्हूं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे हिन अॼोके प्रोग्राम में मुंहिंजे साम्हूं असांजे ॿिनि अहम तारीख़ी लेखकनि जो ज़िक्र कयो, हुननि जो तारफ़ी खाको पेश कयो, जेके ख़ारिनसा जाफ़री ऐं डॉक्टर दुरेशावार सैयद। इनशाला ईंदड़ हफ़्ते वरी किन ॿियनि अहम लेखकनि सां गॾु अव्हांजे साम्हूं तव्हांजे सथ में पेश कंदा थी। तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान अमीनाबाद आरीशर खे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, सलामत। अव्हांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।